उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन किया गया, जिसमें महंगाई और अन्य जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मौजूदगी में कांग्रेस शहर और ग्रामीण अध्यक्ष सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को विपक्ष में रहकर जनता के हित में पुरजोर मुद्दों को उठाना है और वर्तमान समय में आम जनता को महंगा पेट्रोल, महंगी गैस और महंगा खाद्य तेल के मुद्दे को पुरजोर उठाना है और जनता को महंगाई से निजात दिलाना है। उन्होंने कहा कि मजबूती से जनहित में सरोकार रखने वाले मुद्दों को उठाना है ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आम नागरिकों को रियायत दे सके। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। था किन किन विषयों को लेकर आयोजित किया गया था और क्या इसका उद्देश्य था? पूरे देश में पहली बार हमने कांग्रेस के जो रोड पे संघर्ष करने वाले निष्ठावान साथी है उनको आगे लाने के लिए मिशन शुरू किया है। उसी मिशन के तहत जमीनी कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे लाओ समिति के उज्जैन जिला अध्यक्ष सक्रिय जमीनी नेता अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है ताकि हम समिति के आगे की रणनीति तय कर सके और एक दूसरे का परिचय हो। और हमारा उद्देश्य कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे लाने का है। आज मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बाबा महाकाल की नगरी में छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में समिति के कार्यक्रम की आज से शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश में समिति के किसी तरह के आयोजन आयोजित किए जाएंगे। भाई साहब, आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव भी हैं और अन्य भी चुनाव होना है, तो ऐसे में किस प्रकार संगठन को, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना चाहिए और संगठन को मजबूत? नाम से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के दबे कुचले लाखों जमीनी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को आगे लाने के लिए हमारी समिति काम कर रही है। नगरी निकाय चुनाव में भी जमीनी कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व मिले, इसी को लेकर हमारा रूपरेखा तैयार हो रही है और शीघ्र ही हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से इस विषय को लेकर मुलाकात करेंगे। जमीनी कार्यकर्ताओं को अगर महत्व नहीं दिया गया तो मजबूरन जमीनी कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बताइए, कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था, क्या इसका उद्देश्य था और किस प्रकार से क्या रहा? कार्यक्रम हमारा उज्जैन जिले में अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया था। हमारे समिति के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय तुलीवान जी के, हमारे सदस्यवार जिला अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर, उज्जैन संभाग प्रभारी के नेतृत्व में सभी प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन था और मेरी अपेक्षा ये थी कि सभी कार्यकर्ता एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं सभी एक दूसरे से मिले और कांग्रेस पार्टी के लिए। कहाँ कहाँ से कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुँचे थे और क्या रहा? पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।